सो हेलो वेलकम बैक गाइस। थंबनेल लेके आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। यस वी आर गोना टॉक अबाउट कुछ ऐसे प्लेयर जो इंडिया के नहीं थे लेकिन इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर जो इंडिया के थे और अदर नेशन के लिए खेलते हैं या खेल चुके हैं। तो वीडियो में इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो गाइस, एट फर्स्ट वी विल क्लियर कि कोई प्लेयर कैसे किसी अदर नेशन में उनकी नेशनल टीम के लिए खेल सकता है। तो गाइस ये बहुत आसान है, बोरिया बिस्तर पकड़ो और चले जाओ। नहीं, उसके लिए उस कंट्री का आपको सिटीजन होना जरूरी है, प्लस आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। और सिटीजनशिप पाने के लिए आपको कम से कम 7 साल उस कंट्री में बिताने होते हैं, और ये नियम हर कंट्री का अलग अलग होता है। इंग्लैंड ने स्पोर्ट्समैन के लिए इसको घटाकर 3 साल कर दिया है, ओनली जो फ्लार्चर के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेजेंट में इंग्लैंड और अदर्स कंट्रीज में ही बाहर देश के प्लेयर क्यों खेलते हैं, इंडिया में क्यों नहीं? तो फर्स्ट रीज़न इज़ कंपटीशन। तो भैया आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में क्रिकेट को लेकर इतना क्रेज है कि यहाँ का बच्चा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। तो कोई भी बाहर देश का प्लेयर अपना क्रिकेटर बनने का सपना लेकर इंडिया में तो आएगा नहीं, उसे पता है वहाँ पहले से बहुत कंपटीशन है। यार मैं भी बचपन से क्रिकेटर बनने की सोच रहा हूँ लेकिन बन नहीं पाया। द सेकेंड रीज़न इज, इंडिया एक विकसित देश नहीं है, जिस वजह से इंडिया में बाहर के लोग रहने कम आते हैं, हैंस इंडिया की टीम में फिलहाल तो कोई भी नॉन इंडियन प्लेयर नहीं है। सो गाइज अब बात करेंगे कुछ ऐसे नॉन इंडियन प्लेयर की जो कि इंडिया के लिए खेल चुके हैं। तो पहला नंबर है अशोक गंडोत्रा, जो कि ब्राज़ील के निवासी थे, 1966 में वो दिल्ली के लिए रणजी खेल चुके हैं। दूसरा नंबर है लाल सिंह, जो कि मलेशिया के निवासी थे, ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स इनऑगुरल टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड। तीसरा नंबर है खोखान सिंह, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी थे और वो इंडिया के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं। और चौथा नंबर है सलीम दुरानी का, जो अफगानिस्तान के लिए के प्लेयर थे और इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। और पाँचवा नंबर है रॉबिन सिंह, जो कि टबागो के प्लेयर थे और ये भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। अब बारी आती है क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु प्लेड फॉर अदर नेशंस। फर्स्ट नंबर है हाशिम अमला, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं। सेकंड नंबर है ई सोडी, जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। तीसरा नंबर है शिव नारायण चंद्रपॉल, जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी थे। चौथा नंबर है मॉन्टी पनिसर, ये भी इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं। और पाँचवा नंबर है नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आई नीड योर सपोर्ट। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चैनल पे आती रहेंगी, तब तक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ भी जाके फॉलो कर दें। और आप मुझे DM कर सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, यू कैन सजेस्ट मी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या मुझे इस पर और मेहनत करनी चाहिए, और मेरी वीडियो में क्या कमी थी, अपनी ओपिनियन ज़रूर देना। तब तक के लिए बाय बाय।